ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ गर्मा गर्म कचौड़िया लाल चटनी और हरी चटनी के साथ, चलो चलो शुरू हो जाइए, लीजिए ना। मम्मी शर्मा जी के यहाँ से ऑर्डर की है मैंने। वंश भैया, कायरव भैया आप भी लीजिए ना, लीजिए और बताइए कैसी लगी। बहुत ही अम्मी। अक्षरा, अक्षत तुम वापस कैसे आ गई? बस छूट गई क्या बेटा? हाँ, या कुछ भूल गई? हाँ बड़ी मम्मा, कुछ भूल गई थी मैं। कि क्या भूल गई थी बेटा? मैं ये भूल गई थी कि पापा और सीरत माँ ने मुझे क्या सिखाया था। उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि मुश्किलों से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। आंखें चुराने से ना मुश्किलें सिर्फ बढ़ती है, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालने से ना वो दूर भाग जाती है। हम कुछ समझे नहीं, कौन सी मुश्किलों से भागने की बात कर रही हो? बड़े पापा, इन दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मेरा इस घर से दूर चले जाने में ही सबकी भलाई है, लेकिन मैं कब तक अपनी फैमिली से दूर रहूंगी और क्यों रहूं मैं? मुझे स्ट्रांग बनना होगा। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ उसे भुलाकर मुझे आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, और इसीलिए मैं वापस आई हूं। एक मिनट अक्षु, इसने अपने मन की बात आप सबको बता दी है, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। इनफैक्ट माफी मांगना चाहता हूं आप सबसे। माफी? क्यों? क्योंकि अक्षु को पुणे जाने के लिए मैंने ही कहा था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन यहाँ ऐसे माहौल में रहे। मुझे लगा कि मेरी बहन को इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। मैं इसकी हेल्प करना चाहता था। कायरव, इतना सब। सॉरी दादी। मुझे भी आप सबसे माफी मांगनी है। मैंने आप सबसे एक बात छिपाई। आप क्या? मैंने डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को मना कर दिया। मैंने सबके सामने साफ साफ कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने उस परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। शाबाश बच्चों, शाबाश। देखो तो बच्चे कितने बड़े हो गए, कितने बड़े बड़े फैसले अपने आप लेने लगे। किसी से पूछने की, बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। कायरव, तुम अक्षरा और आरोही के बड़े भाई हो, मगर इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि इतने बड़े बड़े फैसले बिना हमसे पूछे लोगे। अक्षरा को घर से दूर भेज रहे थे ये सोच करके इसमें उसकी भलाई है। अक्षरा तुम बेटा बाहर जाकर किसी से इतनी बड़ी बात कह, बिना हमसे कुछ भी पूछे बात किए। सॉरी बड़े पापा। सॉरी बड़े पापा, आप मुझे जितना डांटना चाहते हैं ना आप डांट सकते हैं, पर प्लीज कायरव भैया को कुछ मत कहिए, वो बस बहुत प्यार करते हैं हम दोनों से। तू सच में बड़ी हो गई अक्षु, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तू सही कह रही है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपना ख्याल खुद रख सकती है। हम इसके इस फैसले में इसका साथ देना होगा, प्लीज। आप सब मेरा भरोसा करिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अक्षरा मान गई माँ, अब ब्रो के बर्थडे पे सब ठीक हो जाएगा। काला जी सब ठीक कर देंगे।
अभिमन्यु के लिए और तो कुछ भी कर पाना मेरे बस में नहीं, लेकिन इतनी तो कोशिश कर ही सकती हूँ कि उसकी वो स्माइल वापस आ जाए, स्पेशली उसकी बर्थडे पे। छोटी छोटी घरेलू नुस्खों से ही सही, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी तुम्हारा दर्द कम करने की। मैं लाइफ में तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप ना मेथी दाना उबाल के पी लो, बहुत अच्छा लगने लगेगा अगले 5 मिनट में। वही कड़वी स्माइल, बिल्कुल मेथी दाने की तरह। देखिए काम नहीं कर सकते क्या? सारा मेथी दाना कर दिया। अगर काम नहीं होता तो मत करो ना। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I'm really sorry. कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा था। I'm sorry. कोई बात नहीं सर, मैं समेट लेता हूँ। आप तो समेट लेंगे, मैं कैसे समेटूंगा? जितना समेटने की कोशिश कर रहा हूँ सब बिखरता जा रहा है। मेथी दाना जैसे पुरानी यादें कड़वी। हैप्पी बर्थडे बेटा। चले कान्हा जी का प्रसाद, तुझे पता है आज ना मैंने कान्हा जी को स्पेशल भोग लगाया है तेरी बर्थडे के लिए। कान्हा जी मेरे अभी को जिंदगी में सारी खुशियां दे। कान्हा जी ने मुझे आपका बेटा बनाया, यही मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। बाकी सारी खुशियां तो आती जाती रहती है ना। अक्षरा, मुझे पता है तुझे अक्षरा के मैसेज का इंतजार है। तूने कान्हा जी का प्रसाद खा लिया ना, अब अपनी माँ का प्रसाद खा ले। ये देख क्या है, तेरा पसंदीदा लौकी का हलवा। वैसे तो लौकी सब्जी में दो तो हाथ भी नहीं लगाएगा, पर लौकी का हलवा बना के दो तो किसी के लिए नहीं बचने वाला ये। लौकी दिल के लिए बहुत अच्छी होती है ना, दिल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आज से सब्जी भी लौकी की ही खाऊंगा। अभी चुप कर लायक बाल बाल नहीं प्लीज। अभी बेटा मुझे माफ कर दे, पर मुझ पर विश्वास कर। माफ सिर्फ आप ही पे है विश्वास, प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़िएगा। एक कहानी है, पहले भी तुझे ये कहानी सुनाई थी, आज फिर से सुना रही हूँ। तुझे बताया था ना, जब तू पैदा हुआ था और रोया नहीं था, तब तेरी खामोशी के वो 20 सेकेंड मेरे लिए 100 बार मरने जैसे थे। ना तेरी चुप्पी मैं तब सह सकती थी और ना ही आज सह सकती हूँ। इसलिए कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। अभी कोई वजह थी और वो वजह सही थी, इतना तो भरोसा कर दो अपनी माँ पर। अगर तुझे किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे सजा दे, पर इस तरह चुप मत रह बेटा। कहीं तेरी ये खामोशी मुझे हमेशा के लिए खामोश ना कर दे। ऐसा नहीं बोलते। थैंक गॉड बच गए। इसको पता चल जाता तो क्यों करवाया मुझसे ये डांस? आई एम रियली सॉरी अक्षरा, वो नर्स ने लास्ट मिनट बैक आउट किया और
उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए तुम्हें एंजल बनाना पड़ा, बट एटलीस्ट पोल खुलने से तो बच गए, यू ओके ना? मैं जाता हूं अभी। थैंक यू भगवान जी, आखिर अभिमन्यु के चेहरे पर वो स्माइल वापस आ ही गई। मैं उसे इसी स्माइल से याद रखना चाहती हूँ। आरु, आरु रुक, मेरी बात तो सुन। आरु, आरु जस्ट स्टॉप। आरु, मैं नील के कहने पे यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। वो चाहता था कि अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करूँ, मैं बस इसलिए यहाँ पर आई थी। वाह, क्या अनोखा तरीका निकाला तुमने ना अभिमन्यु को लाइफ में आगे बढ़ाने का, उसकी आंखों में डूब कर, कमरे में बंद होकर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो तो बस गलती से अभिमन्यु उस रूम में आ गया था, वरना मैं तो उस रूम से पहले ही निकलने वाली थी। मैं बस वहां पर फंस गई थी और इत्तेफाक से हम आमने सामने आ गए। इत्तेफाक? सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही होते हैं, वो भी ऐसे जो तुम्हारे फायदे के हो। जो तू समझ रही है वो सच नहीं है। तुम्हारा सच तुम्हारे पैरों में लिपटा हुआ है। ठीक, तुझे लगता है ना कि मैं यहां पर जानबूझकर आई थी, मान लेते, लेकिन मेरे यहां पर आने से तुझे क्यों जलन हो रही है? तू अभी अभिमन्यु को पसंद करती है। लिसन, मुझे यहाँ पे 100 काम होते हैं, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं बैठी हूँ, और तू मुझे घर आने दे, सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगी और जवाब मांगूंगी भी। तू 100 बार ये सवाल पूछ ले, मैं 100 बार यही जवाब दूंगी आरू, क्योंकि मेरा जवाब सच्चा है। तुम्हारी नीयत खोटी है, जो सर से पांव तक साफ दिखाई दे रही है। फैमिली को तो मैं मना लूंगी, समझा दूंगी उन्हें मैं, लेकिन अभिमन्यु, उसका नाम, उसका करियर, उसके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं है डॉक्टर होना, उसकी जिंदगी है। प्लीज फोन उठाओ प्लीज, मुझे जानना है तुम ठीक हो या नहीं। प्लीज 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 प्लीज। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। हेलो, मधुर सुना दो ता। अक्षरा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी अभिमन्यु, कुछ भी नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी ये उसी का फोन था ना, उसकी खामोशी सुनी ना तूने, वही थी ना, इस वक्त भी उसे तेरी कितनी चिंता हो रही है बेटा। हमें ना उससे बात करनी चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए हमें। तू उसे क्या देख रहा है, मैं तुझे कह रही हूं अक्षरा ही तेरे लिए बात कर सकती है इस वक्त, तू बोल ना, मैं बात करूं क्या उससे? बड़े पापा, मैं जानती हूँ आपने कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन यहाँ किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है, किसी के करियर का सवाल है बड़े पापा,
और अभी ने सिखाया ना कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मुझे अभिमन्यु की बेगुनाही की गवाह बनने दीजिए ना प्लीज बड़े पापा प्लीज। रॉब अक्षरा की टेंशन मत लो, उसे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी आखिरी होप वही है क्योंकि उस वक्त वही थी आपके कमरे में आपके साथ। यार यही तो प्रॉब्लम है कि वो मेरे साथ थी, नाम उसका भी खराब होगा, कीचड़ उस पे भी उछलेगा। मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ उसका भी। मेरा केस है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, मुझे उनको एंका से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आई डोंट नीड हर हेल्प। और मां अक्षरा के बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता है, प्लीज किसी और को मत बताइएगा, अकेले रहने दीजिए हमें, लाइफ में भी और इस केस में भी। भले ही लाइफ में मैं तुम्हारी साथ खड़ी नहीं हो सकती अभिमन्यु, पर इस केस में मैं तुम्हारी साथ खड़ी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये रिश्ता क्या कहे?